अस्सलाम वालेकुम। आपने पिछले सबक में देखा था व्यू मेनू के बारे में, आज हम देखेंगे फॉर्मेट में कैरेक्टर पैराग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर में क्या है हरूफ का साइज़ देने के लिए। तो सबसे पहले हम वो वाला सफ़ा खोलते हैं जिसमें लिखे हुए वर्ड हों, जैसे कि ये देखेंगे हमारे पास लिखा हुआ लिखी हुई तहरीर है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है दरख्वास्त लिखना चाहें, ये दरख्वास्त है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में कर देंगे, ये देखिए। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में करेक्टर आता है। करेक्टर में सबसे पहले क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे साइज़, यानी कि फ़ॉन्ट को साइज़ देने के लिए करेक्टर में जाएंगे, ये सबसे पहले साइज़ है। इसके बाद कलर, तो नॉर्मली इन पेज के अंदर जो कलर होता है वो ब्लैक, जो आपका पहले से ही ब्लैक है। अगर लेकिन आप चाहते हैं कि कोई और दूसरा कलर दे, जैसे कि हम रेड दे देते हैं। फिर आगे देखते हैं लाइन फॉन्ट नेम, यहाँ पे इंग्लिश का फॉन्ट बदल सकते हैं, ऐसे अरबिक का फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और लास्ट में जो है आपका उर्दू फॉन्ट नेम, इसके ज़रिए से उर्दू का फॉन्ट ले सकते हैं, जैसे कि आपका होता है नूरी नस्तालिक, नूरी कैरेक्टर, लाहौरी नस्तालिक, या ऐसे ही बम्बई ब्लैक, जो आपका बैनर वैनर में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से हम लेते हैं। इसके बाद क्या है, नीचे देखेंगे बोल्ड, तो ये यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। ऐसे इटैलिक है तो आप इटैलिक कर सकते हैं। आउटलाइन समझ में आता है, जो तहरीर के नीचे जो आउटलाइन देते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर आउटलाइन का मतलब भी बोलते हैं ना, कि आउटलाइन जो है उसकी लुगवी सरफी तहकीक करें, या आपने इम्तिहान में देखे होंगे। तो इसमें आपने देख लिया करेक्टर के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ये देखिए हमने इसको बड़ा भी कर दिया, और जो कलर रेड कलर लिया था वो कलर आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आगे क्या है फॉर्मेट में पैराग्राफ। पैराग्राफ किसको बोलते हैं, जो आपका पैराग्राफ होता है ये आपका ऊपर से नीचे तक, ये देखेंगे यहाँ तक एक पैराग्राफ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखेंगे हमारा राइट साइड है और लेफ्ट साइड में बराबर नहीं है, कैसे पता चलेगा, ये देखिए मैं जूम करता हूँ और ये देखिएगा आपका राइट साइड में एकदम टच है बॉर्डर से, मतलब पेज से, और देखेंगे लेफ्ट में ये देखिए बाद इधर से मतलब ख़त्म की तरफ जो हो रहा है वो टच नहीं है। तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ। सबसे पहले देखिए अलाइनमेंट आता है, अलाइनमेंट में क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये देखेंगे लेफ्ट राइट का इस्तेमाल बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, और सेंटर का इस्तेमाल होता है हेडलाइन में, जैसे कि आपका दरख्वास्त जो लिखा हुआ है ये आपका सेंटर में है, जो कि हेडलाइन के तौर पर है। ऐसे ही जस्टिफाइड करेंगे तो क्या होगा, जस्टिफाइड करने की सूरत में जो ये आपका सिर्फ अभी देखे थे आपने राइट साइड से बराबर है, लेफ्ट साइड से बराबर नहीं है, लेकिन अगर आपने जस्टिफाइड कर दिया यहाँ से, कहाँ से, अलाइनमेंट से, तो उस सूरत में आपका जो होगा दोनों तरफ से बराबर होगा। इसके बाद आगे देखेंगे, देखिए बिगनिंग एंड से कितना हम छोड़ेंगे, ये जो आपका पेज होता है उसके शुरू और आखिर से छोड़ना चाहेंगे या नहीं, तो नॉर्मली ज़ीरो होता है, जो कि आपका यहाँ पर ज़ीरो है। ऐसे फर्स्ट लाइन कितना छोड़ते हैं, तो 1 पॉइंट हम लोग छोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए। फिर इसके बाद लाइन स्पेसिंग है, जो लाइन के दरमियान ये देखेंगे आपका इंतकाल, फिर अल्लाह पाक, ये जो लाइन है इन लाइनों के दरमियान का फासला अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहेंगे तो ये आपका यहाँ से कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के खाने में क्या है, लाइन हाइट, लाइन को स्पेस में कम कर सकते हैं, और ऐसे ही इंटर लाइन गैप में, गैप का मतलब भी समझ में आ रहा है, गैप यानी कि दो लाइनों के दरमियान गैप को ज़्यादा कर सकते हो, और ऑलरेडी ज़्यादा होता है तो हम लोग कम करते हैं, तो यहाँ से कम करते हैं लाइन हाइट के ज़रिए से। इसके बाद नीचे है टैप। टैप में क्या होता है, जो आप कीबोर्ड से टैप बटन इस्तेमाल करते हैं तो आपका कितना परसेंटेज आगे जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12.7 mm। तो ये आपने देख लिया पैराग्राफ में क्या है, क्या क्या ऑप्शन था। अब यहाँ से कर देंगे ओके, तो ये देखिए आपका इधर भी और राइट साइड भी, ये देखिए
क्या है? एकदम मिला हुआ है, तो ये आपने देख लिया। इसके बाद क्या है? हाइफनेशन, इसका कोई काम नहीं है। जैसे कि हमने खोला है तो देखिए छोटा सा बॉक्स खुल करके हम सामने आया है, इसका काम कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या है बॉर्डर। तो बॉर्डर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये आपका है लिखा हुआ। अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक बॉर्डर सी आए, तो आपका देखिए ऊपर चाहिए या नीचे। अगर ऊपर चाहिए तो ये देखिएगा, अगर इंडेक्स वाले में क्लिक करेंगे तो उस सूरत में आपका पूरा का पूरा सफ़ा में आएगा, पूरा का पूरा जहाँ तक आपका सफ़ा रहेगा वहाँ तक आएगा, जैसे कि ये। और आप चाहते हैं कि नीचे भी एक बॉर्डर हो तो फिर से जाएंगे और ब्लू वाले ऑप्शन पर भी इंडेक्स वाले पे क्लिक करेंगे और देखिए आपका ऊपर नीचे दोनों तरफ से बॉर्डर दिख रहा होगा आपको। अब अगर चाहते हैं कि सिर्फ जहाँ तक हमारी तहरीर है वहीं तक बॉर्डर आए, तो आप जाएंगे और फिर इसकी जगह पर के टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो मतलब टेक्स्ट का मतलब जहाँ तक आपकी तहरीर होगी वहीं तक आपकी जो है लकीर होगी। ऐसे नीचे वाले पर भी करेंगे तो जहाँ तक आपकी तहरीर होगी वहीं तक आपका लकीर आएगा। जैसे कि अभी ये देखिए लग रहा है पूरा, लेकिन हम एक दो मरतबा F5 F6 दबाएंगे तो उस सूरत में आपका ये देखिए जहाँ तक है ये इस तरह से। लेकिन इसके बाद एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे खाली है, आप चाहते हैं कि एक लाइन में अरबी हो और एक लाइन में उर्दू हो जो तर्जमा की शक्ल में, तो कैसे करते हैं? यहाँ पे जाएंगे और इंडेस्ट वाला ले लेंगे, ये देखिए आपका आ गया। अब जैसे इंटर मारेंगे ये आपका अपने आप आता रहेगा, तो ये देखेंगे एक लाइन में क्या है अरबी लिखिए और दूसरी लाइन में उर्दू लिख सकते हैं। कहाँ से आता है आपका? फॉर्मेट में बॉर्डर। तो देख लिया आपने, उम्मीद है कि आज का सबक अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।